हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और मैं श्री शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस के 2010-2014 बैच से पास आउट हूँ। मैंने शंकराचार्य से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करी थी और करंटली मैं एक कंट्री किंगडम ऑफ बहरीन में जॉब करता हूँ और एज अ मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी में हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक कंपनी है कॉल्ड अल्बा एलुमिनियम बहरीन। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी एलुमिनियम प्रोडक्शन कंपनी है। तो मेरा करंटली जो प्रोजेक्ट है मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। यू कैन सी दिस इज़ माय यूनिफॉर्म एक्चुअली। और हमें बहुत गाइडेंस मिला इवन फ्रॉम शंकराचार्य, स्पेशली फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो हमारे सारे प्रोफेसर्स थे उन्होंने हमें काफ़ी गाइडेंस दिया, बिकॉज ऑफ विच वी आर हियर टूडे। स्पेशल थैंक्स टू अवर डायरेक्टर सर अभी मिश्रा सर, ऑल द फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेशली जो हमारे टीचर थे वर्कशॉप के, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। क्योंकि 2011 में मैंने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जिसका नाम था लोना बॉटिक्स। ये कॉम्पिटिशन दिस कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज बाई नासा। तो उसमें हमने एक रोबोट बनाया था। तो इस रोबोट को बनाने के लिए हमें वर्कशॉप में काफ़ी वर्कशॉप के जो टीम थी, जो हमारे सारे सर थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और हमें काफ़ी गाइडेंस मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आई एम रियली थैंकफुल टू द शंकराचार्य फैमिली जिनके वजह से हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए। 2014 में पास आउट होने के जस्ट बाद मैं मलेशिया चले गया था। मैं वहाँ पे एक एज अ कैड इंजीनियर था। वहाँ से आने के बाद में मैंने वहाँ पे कम एक साल जॉब करी। उसके बाद मैं 2 साल के लिए सेंट्रल अफ्रीका कैमरून में था। फिर मैं वहाँ से वापस आके मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक श्रीलंका, टर्की, सऊदी अरेबिया। तो मैंने वहाँ पे जॉब करी। उसके बाद मैं 2017 में बहरीन आया और इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स मैं बहरीन में हूँ। और यहाँ पे काफ़ी मुझे अपने जो मैंने नॉलेज मुझे मिला शंकरा से, मैं काफ़ी अप्लाई कर पाता हूँ, जिसकी वजह से आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल तक पहुँच पाया हूँ। और दूसरी चीज़, जो मेरे जूनियर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्राई टू फोकस ऑन योर मैकेनिकल कोर सब्जेक्ट, बट डोंट फॉरगेट टू लर्न डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लाइक आपके सिविल के भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिसको आपको आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लिटिल बिट ऑफ नॉलेज होना चाहिए सर्वेइंग का, जो मुझे आजकल करना पड़ता है एक्चुअली। अलॉन्ग विद दिस, गो फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हर काम जो है आजकल, जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम हो, वो सारा कुछ जो है वो ऑटोमेशन पे जा रहा है। तो मेरी अपने जूनियर से यही रिक्वेस्ट है कि अलॉन्ग विथ योर कोर मैकेनिकल सब्जेक्ट्स, गो फॉर द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, नॉट इवन इन कॉलेज, ट्राई टू टेक सम कोर्सेज आउटसाइड। ओके, देर आर सम कैट कोर्सेज, ओके, विच विल एनहेंस यूर कैट कैपेबिलिटीज। अलॉन्ग विद दैट, गो फॉर प्रोग्रामिंग, लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, लर्न मशीन लर्निंग। सो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड इन केस यू गाइज नीड सम ऑफ माई हेल्प, मेरा नंबर जो है हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास में है। इवन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द, आई गेस आई एम रजिस्टर्ड इन द एलुमिनी इन द वेबसाइट, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।